एक ऐसी डिवाइस जिसमें रामायण का बोलता हुआ रूप, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत, शिव पुराण जैसे ग्रंथों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया गया है, जिसको आप पढ़ना ना चाहें तो इस डिवाइस के माध्यम से आसानी से सुन सकते हैं। ये बोलती रामायण अन्य रामायण से कैसे अलग है? बोलती रामायण पूरी जो रामचरित मानस है उस किताब का पूरा डिजिटल संस्करण है। जो हम किताब पढ़ते हैं घरों में, रामचरित मानस का पाठ होता है, उसको पहले रिकॉर्ड करवाया गया है, ताकि घरों में लोग जो बैठ के पढ़ नहीं पाते या लगातार भी बैठ नहीं सकते तो पढ़ने में भी दिक्कत आती है, तो इसको पहले रिकॉर्ड कराया गया। और संगीतमय है तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो अजय मुंद्रा जी जो सिंगर है कोलकाता के, मुकेश जैसी आवाज़ है उनकी, 2015 में उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करा। बांगड़ सीमेंट है, उन्हीं के चेयरमैन, उन्हीं की परिकल्पना से ये बना और फिर डिवाइस का निर्माण हुआ। प्रयास संस्था ने डिवाइस बनाया ताकि लोग इसको आसानी से सुन सकें। इंस्टेंट ही चाहिए, सीडी या मोबाइल वगैरह से पाठ हो नहीं सकता है, तो इसको डिवाइस सेपरेट एक डेडिकेटेड डिवाइस बनाया, निर्माण हुआ, ताकि लोग बस बटन दबाएं और उनके घर में रामायण का और रामायण की चौपाइयाँ लगातार चलती रहें। तो जब बजेगी तो बच्चे और घर में पूछेंगे कि इन चौपाइयों का क्या अर्थ होता है, तो जो संस्कार रामायण से आते हैं वो उन बच्चों में ट्रांसफर होंगे और माँ बाप बताएंगे अपने बच्चों को कि ये रामायण से हम क्या सीखते हैं। इस तरीके से रामायण का प्रचार प्रसार होगा। अब 8 साल से प्रचार होते होते इस डिवाइस के अंदर रामायण ही नहीं, सब कुछ है। भगवद गीता पूरा, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण और जितने अपने प्रमुख देवी देवता हैं सबके मंत्र, आरती, भजन जो सब एक ही डिवाइस के अंदर समाहित है। यानी कि जितने अपने प्रमुख त्यौहार आते हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो लोग इसको नवरात्रि में भी यूज़ करते हैं, दुर्गा जी की स्तुति कर लेते हैं, अब दीपावली आएगी तो दीपावली में मंत्र लगा लेते हैं। और YouTube और मोबाइल की दुनिया से बहुत अलग है, जो इसके कंटेंट है वो शुद्ध उच्चारण के साथ करवाए गए, जिसमें कोई इंटरनेट नहीं चाहिए और बहुत यूनिक कंटेंट है जो YouTube और इंटरनेट YouTube की वगैरह पे नहीं है। तो सेपरेट होने से इसकी अब उपयोगिता है, कोई मोबाइल या इंटरनेट नहीं चाहिए और बिना किसी ऐड के, बिना किसी इंटरनेट के ये चलता है और कहीं पर भी ले जाएँ, चाहे पार्क में सुने, चाहे छत पर सुने, चाहे बुजुर्ग लोगों के लिए तो ये बहुत वरदान है कि जिनके लिए समय होता है वो इसको बड़ी आसानी से सुनते हैं। और सब जितने भी हमारे पुराण हैं उन सबका हिंदी अनुवाद भी कराया गया है, तो म्यूजिक बैकग्राउंड के साथ है तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। और सुनना ज़्यादा आसान है, पढ़ना इतना आसान नहीं होता। किताब लेके हर जगह हम ले जा नहीं सकते, रामायण की किताब उठाएंगे तो पहले हाथ धो के बैठेंगे तब करेंगे इसको, तो और वो हो नहीं पाता है हर वक्त। किचन में जैसे लेडीज लोग इसको लगा देती है तो काम करते हुए भी इसको सुन लेती है, तो समय का भी सदुपयोग है और जैसे जैसे सुनती हैं तो उनके मन में पॉजिटिविटी आती है और खाने में भी पॉजिटिविटी आ जाती है।